हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट स्फीयर। आज हमने आर्टिस्ट सिकंदर सर को बुलाया है, जो चंडीगढ़ बेस्ड आर्टिस्ट हैं एंड वाटर कलर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, और भी मीडियम्स में काम करते हैं। एंड एज़ वेल एज़ उनकी चंडीगढ़ में एक इंस्टीट्यूट भी आप कह सकते हैं, वो ऑनलाइन, लेकिन अभी उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है वो इंस्टीट्यूट, आर्ट सेंटर जो उनका है, उसमें वो बच्चों को सिखाते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स के बारे में, एंड प्रिपरेशन भी कराते हैं BFA की। तो सारे जो उनके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आपको किसी को आपको उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप या तो उनके इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, या जो नीचे नंबर दिया हुआ आप उनसे उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, एक तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, प्लीज़ इसको लास्ट तक देखिए। सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो उनकी जर्नी रही है, वो उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है, एंड आपको पता चलेगा कि लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने के बाद भी, जब उनको उनका कोई मोटिव बहुत क्लियर होता है, एक बहुत सच्चे मन से कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके जो आसपास भी लोग होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। उनकी जो लाइफ होती है, वो चैलेंजेस के बावजूद भी उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको बहुत पता चलेगा इस पॉडकास्ट में। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप एंड तक देखिएगा, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। हेलो सर, वेलकम टू आर्टिस्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। थैंक यू। तो सर, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आप अपने बारे में एक शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। बेसिकली मैं फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, तो पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो अभी चंडीगढ़ बेस्ड हूँ। तो मैं 24 घंटे पेंटिंग करना ही पसंद करता हूँ। तो वैसे तो लोग मुझे वाटर कलरिस्ट के साथ जानते हैं कि वाटर कलरिस्ट हूँ मैं, पर मैं हर एक मीडियम में काम करना पसंद करता हूँ। जी सर, जी सर। सर, आपका लॉकडाउन कैसा रहा? देखो, मैं अगर सच में बताऊँ तो मेरे लिए तो बढ़िया रहा। मतलब हमेशा मुझे लगता है कि हर एक चीज, जैसे लॉकडाउन आई तो लोगों को लगा कि ये प्रॉब्लम आई, मेरे लिए तो बड़ी ये मतलब मैं घर में बैठ के काम करना चाह रहा था अपने स्टूडियो में, तो वो मुझे अच्छा मौका मिला। तो मुझे सड़कों में निकलना पसंद नहीं है, मतलब वर्क के लिए, तो वो मेरे लिए अच्छा रहा। मैं स्टूडियो में घुसा रहा 2 साल से 1.5 साल से, तो अभी भी स्टूडियो में हूँ। जी सर, जी सर। और वही है कि अपने काम में के लिए भी टाइम निकल जाता है, फैमिली के साथ भी, क्योंकि सब घर पे ही थे, तो वो बहुत अच्छा एक बेनिफिट रहा लॉकडाउन का। हाँ, वो अभी लॉकडाउन में ने हमें समझाया कि भाई जरूरी नहीं कि सड़कों पे भागो तभी जाके आप कुछ गेन करोगे, घर पे बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है, फैमिली के साथ साथ हमारे पास एक डॉग है, वो बहुत खुश रहता है सब घर पे है। जी सर, जी सर। तो सर, आपका आर्टिस्टिक करियर कैसे शुरू हुआ? वैसे मेरे को थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आपके जो स्टार्टिंग थी वो बहुत स्ट्रगल से स्टार्ट किया था आपने, तो उसको जरा थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे शुरू किया। बेसिकली स्ट्रगल इसलिए बोलते हैं क्योंकि सबको लगता है कि वो स्ट्रगल है, जब आप अपनी मर्जी के फील्ड में मेहनत कर रहे होते हैं वो स्ट्रगल नहीं मैं मानता। वैसे अब लोगों को समझाने के लिए तो बोलना पड़ता है कि वो स्ट्रगल है, पर ऐसे वो ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं। स्ट्रगल तब होती है, चाहे आप पैसा भी कमा रहे हो और अपनी मर्जी का फील्ड ना हो, तब होती है स्ट्रगल। अभी मैं अपने फील्ड में अपनी मर्जी से चल रहा हूँ, तो वो मेरे लिए स्ट्रगल कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से थी। फाइनेंशियली जैसे मैं काफी वीक रहा हूँ, मतलब ऐसा भी टाइम था कि पैसे पूसे भी नहीं होते थे, तो मैस बिल, कॉलेज फीस, तो वो सारे मतलब भरने के लिए कभी अपने टीचर्स का सहारा लिया, इंद्रजीत गुप्ता सर का, वो बेचारे हमें कभी दे देते थे, बेटा ये लो चलो जब हो दे देना। कभी टकशॉप से उधारे ले लिए, कभी कोई और कोई दोस्त है, कोई और टीचर मोगा में थे जो उनसे कभी उधारे ले लिए। मतलब स्ट्रगलिंग पीरियड में ये अच्छा था कि अभी प्यार करने वाले लोग, सपोर्ट करने वाले लोग मिलते रहे, तो इसलिए वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जर्नी। सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, क्योंकि आप चंडीगढ़ से नहीं हैं, आप एक स्मॉल टाउन से हैं जो चंडीगढ़ के पास है, तो उससे चंडीगढ़ का सफर आपका कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बताइए। ओके, बेसिकली मैं पंजाब के एक कस्बा है बागापुराना, तो जो मोगा के मोगा जिले में पड़ता है,
पहले वो फरीदकोट जिला में होता था, जब मैं पैदा हुआ था तब वो मोगा जिला में है। तो शायद बागा पुराना का तो बहुत लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, तो मोगा का नाम सुना होगा आप सोनू सूद की वजह से। तो बागा पुराना से मेरी स्कूलिंग रही है प्लस टू तक की। तो मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि भगवान आपके लिए प्लान करता है, ठीक है। तो लकीली मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहां पे फाइन आर्ट के टीचर जो थे वो चंडीगढ़ आर्ट्स कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू जा चंडीगढ़, तेरे लिए तो चंडीगढ़ बना है। तो मैंने ये सोच के चंडीगढ़ का प्लान किया था। मैं चंडीगढ़ आया भी था 95 में एग्जाम देने, तो 95 में मेरी एडमिशन नहीं हुई। तो मैं फिर मोगा, हम लोग तब तक बागा पुराना से मोगा शिफ्ट हो गए थे। तो मोगा में फिर मैंने डीएम कॉलेज में 3 साल लगाए ग्रेजुएशन के लिए। तो वहां मुझे समझ आया कि मेरे एक वहाँ टीचर थे, जो मेरे टीचर नहीं थे वो मेरे आर्ट को पसंद करते, गुरबीर चीमा मैम थे। तो उन्होंने मुझे कहा तू इतना अच्छा काम कर रहा है, कहाँ तू जा चंडीगढ़ अपने सपने पूरे कर। तो उन्होंने, मैंने कहा भी चंडीगढ़ पहली बार मेरी एडमिशन नहीं हुई, दूसरा ये है कि फंड्स भी नहीं है। तो मुझे याद है उन दिनों उन्होंने मुझे 10,000 रुपीज मतलब हेल्प करने की थी मेरी। अब सोचो कि अभी कैसे कैसे लोग आपका रास्ता मतलब खोलते हैं। तो मैंने फिर उनको सुना समझा, तो फिर मैं मोगा छोड़ के, अपनी स्टडी छोड़ के चंडीगढ़ आया, फिर एग्जाम दिया, तब मेरी एडमिशन हो गई 98 में। इस तरह से जो मेरी स्ट्रगल नहीं कह सकते, जर्नी हुई। तो इस दौरान मेरा एक और पार्ट रहा है कि मैंने, जब तक मैं प्लस टू तक था तो मैंने कई सारे पेंटर्स से पहले काम सीखा। जैसे सबसे पहले बलबीर पेंटर था, उनके पास सीखने गया तो वो क्या करते थे, पेंटिंग कम करते थे, राइटिंग का काम ज्यादा करते थे। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार एक और पेंटर है उनके पास चले जाओ, वो थे आरएस पेंटर, राजेंद्र सिंह पेंटर थे। तो वो पेंटिंग ज्यादा करते थे, राइटिंग कम करते थे, फिर उनके पास गया। फिर उन्होंने भी बताया कि यार मैं पेंटिंग भी करता हूँ, राइटिंग करता हूँ, तुम अगर पेंटिंग सीखना चाहते तो मोगा में सतनाम सिंह आर्टिस्ट उनके पास जाओ। तो जो डीएम कॉलेज का जो मैंने 3 साल का पीरियड था, तो वो साथ साथ मैंने सतनाम सिंह आर्टिस्ट उनके पास भी लगाया। तो उनसे ऑयल पेंटिंग सीखी थी मैंने 95 से लेकर 98 तक। तो जिसकी वजह से मैं चंडीगढ़ आके काफी इजीली सेटल होना शुरू हो गया, क्योंकि तो थोड़ी स्किल्ड था थोड़ा सा मैं, वो जी मेरे लिए बड़ा हेल्पफुल रहा। तो ऐसे मेरी जर्नी थी मतलब चंडीगढ़ पहुंचने की। जी सर जी सर और आपको डिफरेंस भी पता चला होगा, क्योंकि वहाँ पे जो आर्ट की वैल्यू है और जो चंडीगढ़ में आर्ट की वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, तो उसकी वजह से आपको हाँ ये मोटिवेटेड भी तो फील नेचुरली, होगा। आप जी छोटे टाउन से आए हैं तो नेचुरली, और एक बचपन में कहावत सुनी थी कि बड़ा समुंदर होगा तो मछलियां भी बड़ी होंगी, तो वैल्यू भी जी बड़ी होगी आपके लिए। तब छोटा तालाब में रहोगे तो सोर्सेज वैसे ही रहेंगे ना, तब वहां से जी सर निकले तो सोर्सेस बढ़े तो इससे एक्सपोजर भी बढ़ा, जी सर वो जी तो है सर ही है। जी सर तो जो आपका ये पीरियड था उसमें सर आपने क्या सीखा, जो आपकी लाइफ में आप अभी तक वो चीज़ याद रखते हैं कि ये पीरियड से मेरे को ये सीख मिली और मैं इसको अभी भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। हाँ वो यही है कि पहले तो ग्राउंडेड रहो, आप मिट्टी से बने, मिट्टी से जुड़े रहो, और जिन्होंने आपका हेल्प किया स्ट्रगलिंग में, मैं सबको भूल सकता हूँ पर उनको जी कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने मेरी स्ट्रगल के दौरान मेरा हाथ पकड़ा था। तो मुझे तो यही सीखने को मिला है। अभी भी मैं लोगों को यही, सबको यही कहता हूँ, जब भी मेरी कोई इंटरव्यू होती है, जब मैं कभी भी लाइव होता हूँ, कि भाई कुछ भी भूल जाओ, अपनी माँ बोली, अपनी मिट्टी, अपने पेरेंट्स, अपने दोस्त, अपने टीचर, और आपके जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे आपके टीचर हैं, चाहे कोई भी है। अभी एक यहाँ पे ढाबे वाले भी हैं चंडीगढ़ में, तो उन्होंने मुझे स्ट्रगलिंग टाइम पता क्या कहा था, यार पैसे नहीं होते कोई बात नहीं, तुम खाना तो खाया करो, पढ़ाई करनी है तुमने तो खाना खाया करो, पैसे होंगे तो दे देना, नहीं है तो नहीं देना। तब देखो ढाबे वाले का भी अपना एक रोल है लाइफ में, जी ज्ञानी दा सर ढाबा है चंडीगढ़, तो ये वर्डिंग उन्होंने बोली थी। तो ये सारी चीजें अगर आप याद रखोगे तो आपको भी, आप में अहंकार भी नहीं आएगा, आपको पता चलेगा भाई आप अपने आप कुछ नहीं हो, लोगों की सपोर्ट से ही आप बने हो। जी सर जी सर ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि जब सक्सेस मिलनी स्टार्ट होती है ना तो वो कहते हैं ना कि पर बहुत जल्दी लग जाते हैं इंसान को, तो उस चीज़ को ग्राउंडेड पे रहना भी बहुत ज़रूरी रहता है। वो तो बिल्कुल ही है, क्योंकि जी मैं सर कभी कभी सोचता हूँ कि मिट्टी से आप कितना भी मजबूत बर्तन बना लो, कहीं आप चाहे उसे पका कच्चा रखो,
चाहे पका के उसे टेराकोटा में कन्वर्ट कर दो, चाहे चीनी में, मतलब कैसे भी पकाते हो, जब वो टूटेगा तो क्या होगा, बाद में फिर मिट्टी बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ है, हमने भी ऐसे ही होना है। तो जो बीच की जर्नी में उसमें थोड़ा याद रखो कि अभी हम ऐसे ही हैं, कच्चे हैं, तो कच्चे बन के रहो भाई। हाँ ठीक है, कितने भी पक जाओ तो भूलना नहीं कि मिट्टी से बने हुए हैं। जी सर, जी सर। तो सर, जो आपका आर्ट कॉलेज का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। और जो स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। बेसिकली मुझे चंडीगढ़, दिल्ली और कुरुक्षेत्र के बारे में काफ़ी मतलब अच्छे से पता है। तो वैसे तो जे मतलब और भी मेरे पास खुद बच्चे पढ़ने आते थे आर्ट्स कॉलेज में। तो जी सबसे सर, पहले शायद आप लोगों के जिनको नहीं पता, मैं बताता हूँ कि मैं बीएफए के लिए एंट्रेंस की तैयारी के लिए भी बच्चे पढ़ाता हूँ। तो यहाँ से मेरी चंडीगढ़ में जो स्ट्रगल शुरू हुई वो क्यों हुई थी, ये भी एक कारण है। मेरी लाइफ में एक चीज़ बड़ी पक्की है कि जो चीज़ लाइफ में मुझे नहीं मिली तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पीछे आने वाले लोगों को मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। तो मुझे किसी ने चंडीगढ़ जब मैं आया तो आर्ट्स कॉलेज आने के लिए किसी ने उंगली नहीं पकड़ी। तो मुझे लगा कि जो मेरे इस शहर से जो आना चाह रहे हैं, पहले मैं उनको पकड़ के लाता था कि लो भाई मैं बैठा हूँ चंडीगढ़, आप आओ मेरे पास रहो, पढ़ाई करो, सीखो, जो सीखना है रास्ता दिखाता हूँ। तो जब मेरे 3 साल एडमिशन नहीं हुई थी जो, तो वो वेस्ट जैसे गए हैं, लोगों को लगता है वेस्ट तो कहीं भी नहीं गए हैं। तो उस तरह का लोगों को फेस ना करना पड़े। कई लोगों के पेरेंट्स उनको टाइम नहीं देते कि भाई तुम दोबारा किसी और स्टडी के बाद फिर आर्ट्स कॉलेज दोबारा ग्रेजुएशन करो। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए मैंने तो दोबारा कंटिन्यू कर ली। पर वो स्ट्रगल उनकी काटने के लिए मैंने ये कोचिंग शुरू की। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कोचिंग है, फिर उसकी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे लोगों तक पहुंची कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक अपना इंस्टीट्यूट भी रहा चंडीगढ़ में, अभी भी है। तो अभी ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया मैंने। तो उसके लिए आपको बेसिक स्किल्स होनी जरूरी है, स्टिल लाइफ जैसे शेडिंग करनी आनी चाहिए अच्छे से, लाइव सामने रख के, ठीक है। और दूसरा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कॉम्पिटिशन का भी टेस्ट होता है, उसमें मेमोरी ड्राइंग बोलते हैं उसको। तो उसमें आपका वाटर कलर वगैरह से आप एक जैसे टॉपिक दे दिया, मेला सीन बनाओ, बैलून सेलर बनाओ, या कोई भी एक टॉपिक दे दिया उस पर आपने कॉम्पोजिशन बनानी है, तो एक ही होता है। तो दोनों जगह चंडीगढ़ और दिल्ली में ऑलमोस्ट सेम होता है, मतलब पैटर्न। तो और थ्योरी का भी टेस्ट होता है, थ्योरी 20-30 नंबर की होती है, और जो बाकी दोनों टेस्ट होते हैं 65-65 के होते हैं, मतलब टोटल 150 नंबर का होता है। तो उसमें जी आपको स्किल्ड होना पड़ेगा, वो +2 बेस तक आपका जैसा भी स्किल होता है उसे पॉलिश करते जाएं तो वो आपको बड़ी हेल्प करेगा। जी सर, जी सर। और सर, इसके अलावा जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट हो गया और ये दिल्ली का आपने बताया, और जैसे इनके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? बहुत है इंडिया में, ऑलमोस्ट हर स्टेट में है, जैसे शांति निकेतन है भोलपुर कैलकटा के पास, तो फिर उसके बाद कैलकटा में भी है, फिर अपना बड़ौदा में भी है, फिर खैरागढ़ भी है, जे बॉम्बे भी है, चंडीगढ़। अब तो और इसके अलावा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी शुरू कर दी है बीएफए, पहले जी नहीं सर, होता जी था। सर। अब तो कौन से, लवली ले लो, चितकारा ले लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ले लो, सब में शुरू हो गए हैं। जी सर, जी सर। सर, जो आर्ट कॉलेज में जो सिखाया जाता है उसको आप कितना अभी कंसिडर यूजफुल कंसिडर करते हैं, क्योंकि आप 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए होंगे आपको आर्ट कॉलेज से बाहर निकले हुए, और उसके बाद जो आपने अपना करियर बनाया उसके बाद आप स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पे अभी क्या सिखाया जा रहा है सिलेबस में, तो उसमें पहले आपका तो मैं आपका थैंक्स क्या? करूंगा, आपका थैंक्स करूंगा। आपको लगता है कि मैं इतना जवान हूं, मेरा 20 साल होने वाले हैं पास आउट हुए। अच्छा, ओके, सॉरी सर। कोई बात नहीं, सॉरी क्या, थैंक्स कर रहा हूँ मैं तो आपका। तो आपको मैं छोटा लगा इसलिए आपने बोला 10 साल। तो मैं 2002 में पास आउट किया है। तो ओके ओके हाँ, तो देखिए पहले ना मैं सबको यही कहता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमें आर्ट्स कॉलेज जाना है या नहीं जाना, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ाई पढ़ के जॉब में जाना है तो आर्ट्स कॉलेज जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने फ्रीलांस आर्ट में जाना है, फ्रीलांस आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए आपकी चॉइस है आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। अब बहुत सारा ज्ञान, तो अगर आपको लगता है कि आप मुझे जानते हैं मेरी डिग्री की वजह से, तो वो भूल जाइए, मेरे काम की वजह से जानते। आप बताइए कैसे जानते हैं मुझे। सर, मैं, मेरी मैम है स्कूल में, उन्होंने बताया था आपके बारे में, फिर मैंने सर्च करा था, वो नहीं तो आर्ट कॉलेज उन्होंने, से ही पास आउट अच्छा है। तो
अदरवाइज ज्यादातर लोग आपको जानते हैं मतलब आपके काम अपने के काम लिए। से, यस ठीक है। यस तो अभी सवाल यह है कि अगर आपने पहचान बनानी है आर्ट में, अपना फ्रीलांस काम करना है, तो डिग्री ऑप्शनल है, वो करनी हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो फिर BFA ही करो, ठीक है। तो अगर जी सर आपने जॉब में जाना है या मतलब बहुत ही सीरियसली कुछ स्टडी करके आगे, हाँ भी मुझे कॉन्फिडेंस रहे बात करने का, क्योंकि आर्ट्स कॉलेज आपको चाहे मन आपका मन करे चाहे ना करे कुछ तो पढ़ना पड़ता है। जी मेरा नहीं सर मन करता तब भी मुझे थ्योरी पढ़नी पड़ी, पर वो बड़ी काम आती है कि आपको बहुत सारी चीजें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बात करने का कॉन्फिडेंस है वो मुझे आर्ट्स कॉलेज से मिला। तो जी जो सर पेंटिंग की स्किल्स हैं वो तो मेरे गुरुदेव जितने भी हैं, चाहे वो ऑनलाइन सीखे हैं चाहे मैंने उनके यूट्यूब चैनल से सीखे हैं, तो उन्हीं से सीखे हैं। तो कॉलेज ने मुझे पंख दे दिए बेसिकली। जी सर जी सर सर और वो जो सिलेबस है उसमें अभी वो कितना यूज़फुल है, जैसे जो फ्रीलांसिंग आर्टिस्ट हैं अगर वो बनना चाहते हैं तो उनके लिए कितना यूज़फुल है BFA करना? देखिए ये सबकी अपनी अपनी थॉट्स हैं। मैं ये मानता हूँ अगर आपके पास जिंदगी में 5 साल है और आपका ये दृढ़ निश्चय है कि आपने आगे जॉब कभी भी नहीं करनी, तो मैं आर्ट्स कॉलेज की बजाय फिर मैं ये कहूँगा आप अपना फेवरेट टीचर ढूंढें, आप उसको अप्रोच करें कि मैं आपके अंडर 2 साल 4 साल 5 साल काम करूंगा। क्योंकि उससे जी क्या सर होगा कि आप जो फ्रीलांस कर रहे हैं ना उन्होंने बहुत स्ट्रगल की होती है, स्टडी का पैटर्न हमेशा ही एक रहा होगा, आपको पता ही होगा, जी सर जी सर अगर वही मेथड एंड मटेरियल, वही आपका अपना एस्थेटिक, वही आपके कॉम्पोजिशन, वही स्टिल लाइफ, वही आपकी जो सब्जेक्ट है वही वही रहेंगे। तो जो प्रोफेशनल है तो अप टू डेट है, रोज नई नई स्ट्रगल फेस करते हैं, ठीक है ना। अभी जी सर अगर आप देखे जाए आर्ट्स कॉलेज में चले जाओ तो आप अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ कि भाई हमने वार्निश कौन सा यूज करना है, अभी जी स्प्रे सर बॉटल्स आ गई हैं, अभी भी वो वही बता रहे होंगे कि आपने वार्निश करना है कपड़े से करना है ब्रश से करना है, तो स्प्रे बॉटल आ गई तो कपड़े और बॉटल को तो नेचुरली जी समझे सर ना। जी सर तो अगर जी सर जी मैं सर प्रोफेशनली कर रहा हूँ तो मैं अपडेटेड रखता हूँ अपने आप को। तो जो जी हमारा सर स्टडी का जो सिस्टम है वो बहुत सालों बाद अपडेट होता है, वो जी सर आपको तय करना है कि आपने क्या करना है। जी सर कॉलेज चूज करने के बजाय टीचर चूज करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बेसिकली। वो तो 110%, जी सर उसके जी बावजूद सर भी बहुत सारे लोग अभी भी मैं ये नहीं कॉलेज के खिलाफ नहीं हूँ, ये भी एक पहले जी सर टर्म्स जी पहले सर क्लियर कर दूँ। मैं एक चीज की फेवर में हूँ कि आपका रास्ता कौन सा है। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने का एक अलग रास्ता है, चंडीगढ़ से लुधियाना जाने का एक अलग रास्ता है, दोनों ऑपोजिट है। पहले तो जी सर ये जी तय सर करना है कि आपने जाना किस तरफ है, तो दोनों तरफ जाने के लिए अलग रास्ता चूज करना है आपने, तो पहले वो क्लियर करें। जी सर जी सर बिल्कुल सही। तो सर जो आपका जो आर्ट स्टाइल है वो आपने कैसे डेवलप किया, और जो बिगिनर्स होते हैं उनको बेसिकली बहुत डिफिकल्टी होती है अपना स्टाइल चूज करने में, वो कभी किसी को कॉपी करते हैं फिर किसी को करते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है उस चीज़ में। ये ना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका बड़ा ही सर मेरे ख्याल में इसके बाद शायद ये सवाल लोग कम पूछेंगे जो मैं अभी जवाब देने जा रहा हूँ। तो अभी वंशिका जी एक चीज बताइए, अभी आप बिल्कुल एक अपने आइडेंटिकल, आपका दूसरा कोई नहीं है, आप अलग से एक पहचान है ना आपकी, जी सर आपकी एक लुक अलग है ना, इसके जी लिए आपने क्या किया, अपने जैसा बनने के लिए क्या किया आपने, कुछ सर जो मुझे किया, पसंद आया वही करा और कुछ नहीं। वही किया ना। जी और सर जब आप पैदा हुए थे बहुत सारे दादा लोगों ने आपको पता क्या कहा होगा, गोद में उठाते ही, अरे ये तो मम्मा जैसी है, अरे ये तो पापा जैसी है, उसके बाद थोड़ी सी सर बड़ी हुई, नहीं, ये तो दादी जैसी है, ये चाचा जैसी है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आपने भी बोला होगा कभी। जी सर जी सर उसके बाद जैसे जैसे आप बड़े हो गए, उसके बाद आपको वंशिका के नाम से जानने लगे, उसको आप उसके बाद कभी नहीं किसी ने कहा आप मम्मा जैसे हो, आप पापा जैसे हो, क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप अपने जैसे बनने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, बस आप ओरिजिनली चल रहे थे। बस लोग यहाँ पे कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं अपने जैसा बनने के लिए क्यों एफर्ट करते हैं, अपने जैसा बनने के लिए कुछ नहीं करना, जिंदा रहना है बस, खाना जी पीना है। तो सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे मिलन सर का काम पसंद था, उनकी बुक्स ली, उनको खूब कॉपी किया, यूट्यूब जी तक पहुंचा था, यूट्यूब से उनको खूब एडमायर किया, देखा सीखा। फिर उसके बाद विश्वाल सर का काम पसंद आया, प्रभु सावंत सर का काम पसंद आया, उनको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया, बहुत उनकी डेडिकेशन देखी। तो मैंने मुझे शुरू शुरू में लोग कहते हैं यार तुम्हारा काम मिलिंद मलिक सर जैसा है,
कई बार लोगों ने मुझे पिंच करने के लिए भी ये बोला, अरे यार तुम क्या कर रहे हो सिकंदर, तुम्हारा एक अपना नाम है, तुम क्या यार, तुम्हारा काम मिलन सर जैसा लग रहा है। वो तो मुझे पिंच कर रहे थे पर मैं उसे कॉम्प्लीमेंट ले रहा था, और मेरे लिए आज भी कॉम्प्लीमेंट, आज भी मुझे कोई कहते हैं ना कि आपका काम किसी जैसा है और जो मुझसे, जिसको मैं एडमायर करता हूँ, मेरे लिए प्राउड मोमेंट्स है वो, जी सर, समझे। तो मैंने कभी भी किसी से अलग होने के लिए कुछ नहीं किया, कोई स्टाइल के लिए नहीं बाया। हाँ, स्टाइल बनता कैसे, उसका एक कारण बता देता हूँ। जी सर, अगर आप अलग अलग आर्टिस्टों के वर्क को कॉपी कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो ऐड होते जा रहे हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, एक बाउल लें, एक मटका लें, उसके अंदर चावल डाल दें, उसके अंदर गेहूं डाल दें, उसके अंदर दालें डाल दें, तीन चार तरह की, थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, थोड़े से कंचे डाल दें, और उसे अच्छे से भर के हिला दें, तब मुट्ठी भर के निकालोगे तो क्या निकलेगा बताइए? मिक्सचर निकलेगा उन सबका। मिक्सचर निकलेगा ना। जी तो सर, अब मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी अभी सर, मैंने जी सर, इतने तरह की कॉम्पोजिशन देखी है, इतने लोगों का काम देखा है, इतना कुछ दिमाग में बैठा है, इतना कुछ अंदर बैठ गया, इतना कुछ प्रैक्टिस किया, जब मैं बनाता हूँ वो अब मिक्स होकर निकलता है, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करता। तो जी सर, ये अपना एफर्टलेस अप्रोच। यस, जी सर, जी सर, वो फंसे होते हैं, वो अपने आप को पहचाने के लिए फिर काम ही नहीं करते। ये तो सिकंदर सर जैसा लग रहा है, छोड़ो ये नहीं करना, ये तो मिलिंद सर जैसा लग रहा है, नहीं करना, विश्वास सर जैसा लग रहा है, नहीं करना, दूसरे आर्टिस्ट जैसा लग रहा है, नहीं करना, तो क्या करोगे फिर? दुनिया में हर बंदा, हम आपको भी तो लोग कहते हैं, अच्छा यार तुम्हारी उस एक्ट्रेस से शक्ल मिलती है, उससे मिलती है, तो एक दूसरे जैसे तो हो ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, पर जी सर, अप्रोच अपनी इंडिविजुअल रखो, आपकी सोच तो अलग हो सकती है ना, उसके लिए बस बैठे रहो और काम करते जाओ, काम छोड़ो मत। जी सर, जी सर, ये कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा होता है कि आपका इससे मिल रहा है। बिल्कुल, आपने वो बहुत सही बात कही कि जब हम हाँ, किसी को कॉम्प्लीमेंट मानते किया तो हैं। मैं, जी हाँ, जी तो लोग उसका बुरा मान जाते हैं, मैं समझ नहीं आता भाई, मैं जिसको एडमायर करता, आप मुझे बिंदास बोलिए सिकंदर सर, आपका काम मिलिंद सर जैसा है, तो मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ, तो मेरे लिए तो उससे अच्छी बात, मैं तो आज भी चाहता हूँ कभी उनके जैसा काम हो जाए मेरा। जी सर, जी सर, तो सर आप लाइव स्केचिंग भी करते हैं, तो आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं, लाइव स्केचिंग को किस तरह से, उस डिटेल को आप मैंने ना सिंपलीफाई कैसे इतना करते बड़ा, हैं? अच्छा ये सवाल भी मेरे थोड़े दिन पहले ही क्लियर हुआ, तो मुझे मेरे असिस्टेंट ने एक चीज बताई कि कहते हैं, पता नहीं कौन एक फेमस आर्टिस्ट है, तो वो रोज ना अपना लाइव लाइव स्केचिंग करता है, पोर्ट्रेट बनाता है, 90 टाइम उसके पोर्ट्रेट ना, जिसका पोर्ट्रेट बना रहा होता है उससे रिजेंबली नहीं कर रहे होते, तब भी लोग उसे एडमायर करते हैं, उसका काम देखते हैं, और वो बड़ा फेमस है। तो यार मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, तो वो परवाह नहीं करता कि भाई मैं, वो कोशिश वो करता है, कोशिश तो कर रहे हैं ना, जी सर, हमेशा आपके एफर्ट्स आपके काम आते हैं। तो बहुत बार अब क्या होता है कि जब उसने जर्नी शुरू की थी, पहले 90% उसका काम रिजेंबल नहीं करता था, अब 90 टाइम उसका रिजेंबल करता है, 10 टाइम नहीं रिजेंबल किया तो क्या फर्क पड़ता है? जी सर, तो जो लोग रेगुलर मेहनत करते हैं ना, चाहे वो लाइव कर रहे हैं, चाहे वो मेमोरी ड्राइंग से कर रहे हैं, चाहे कॉपी कर रहे हैं, तो उनको रास्ता मिल ही जाता है, जो चलते रहते हैं रास्ता मिलता ही है, जी ठीक सर, है, जी वो सर, चाहे पैदल चले, चाहे वो गाड़ी पे चले, चाहे साइकिल पे चले, चलते रहना सही डायरेक्शन में जरूरी है बस। जी सर, जी सर, कंसिस्टेंसी से ही फिर वो और सही होता रहता है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, सर जैसे आप बहुत सारे मीडियम्स में काम करते हैं, ऑयल हो गया, एक्रेलिक हो गया, वाटर हो गया, अभी आपने गोश भी स्टार्ट करा है, तो सर आप इन मीडियम्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, अगर आपको किसी को बताना हो कि ये मीडियम्स। हाँ मैंने वैसे तो दो तीन तीन मीडियम के बारे में तो मैं अक्सर ही डिस्क्राइब करता हूँ, एक ऑयल ऑयल और एक्रेलिक और वाटर कलर, तीन मीडियम को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। जब कोई पूछता है ऑयल कलर कैसे हैं, तो मैं बड़ा सिंपल, तीन बच्चे हैं, एक फादर के या एक मदर के, तीन बच्चे हैं, एक आर्टिस्ट के तीन बच्चे हैं, ऑयल कलर, वाटर कलर और एक्रेलिक कलर। जो ऑयल कलर है, जो घर में सबसे शांत बच्चा, प्यारा बच्चा होता है ना, वो हम पंजाबी में बोलते हैं बीबा बच्चा, जी बड़ा ही सर, डिसेंट, पेरेंट्स ने कहा बेटा वो पानी का गिलास दे दो, वो बेचारा पानी ले आया, पेरेंट्स ने बोला ये कर दो, उसने वो कर दिया, पेरेंट्स ने कहा बेटा खेलने नहीं जाना, पढ़ो, पढ़ने लग गया, तो मतलब जो हर बात कहना मानता है, तो वो है जी ऑयल सर, कलर, जी सर, जी सर, जैसे आप कहो वैसे चलते हैं, वो आपके अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं चलते। और सबसे नॉटी है वो है वाटर कलर,
जो घर में एक बच्चा नहीं होता, पेरेंट्स पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं, नहीं नहीं उधर नहीं जाना, नहीं करना, तब तक जब तक पेरेंट्स उठाते हैं तब तक पानी का गिलास गिरा दिया, जब तक गौर किया उन्होंने कोई नुकसान कर दिया, तो उनके पीछे दौड़ते रहना पड़ता है कंट्रोल में रखने के लिए। अब आगे एक्रेलिक कलर, एक्रेलिक कलर होते हैं जो आधे तो समझदार होते हैं आधे शरारती होते हैं, मतलब जैसे तीनों बच्चों में से एक, मतलब जो बीच वाला बच्चा नहीं होता, थोड़ा सा बड़े बच्चे जैसा थोड़ा डिसेंट भी है, थोड़ा छोटे बच्चे जैसा नॉटी भी है, तो एक्रेलिक कलर वैसे हैं, आप कंट्रोल भी कर सकते हो, वो थोड़ी अपनी मर्जी भी कर जाते हैं। सो ये मेरा तरीका है इसको डिस्क्राइब करने का। सर आपके ना जो डिस्क्राइब करने के तरीके वो बहुत यूनिक है. मैंने आपके और भी बहुत सारे लाइव सेशन इंटरव्यूज देख रखे हैं, तो उसमें जिस तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं वो बहुत ही अलग तरीके से और समझ भी आ जाए. थैंक यू रोजमर्रा की लाइफ है, यही देखते हैं यही फील करते हैं, जी सर, जी सर. वही है। तो सर, और जिस तरह से आपने बोला वाटर कलर एक बहुत डिफिकल्ट मीडियम माना जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो सर आपने उसको जैसे कैसे कंट्रोल करना सीखा? मेरी मम्मा ने हमें कंट्रोल किया कि भाई कोई बात नहीं, उन्होंने पेशेंस रखी जी सर. हमें, उन्होंने पीटा नहीं, मारा नहीं, भगाया नहीं, घर से निकाला नहीं है, छोड़ नहीं दिया उन्होंने, पेशेंस से हैंडल किया हमें। तो अब बड़े हो गया, जी पेशेंस सर, से हैंडल किया तो अब हम समझदार हो गए हैं, तो ऐसे ही जी वाटर सर, कलर हमने पेशेंसली उसे हैंडल किया, अब वो भी समझदार हो गए, थोड़े हम समझदार हो गए हैं कि पेशेंस रखो, थोड़े से वो साथ देते हैं, बस यही एक, पेशेंस के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी सर, जी सर. तो सर आज तक आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्क बहुत कम ही करे हैं, ना के बराबर ही, तो वो उसका क्या रीज़न है? आपको एब्स्ट्रैक्ट ज़्यादा पसंद नहीं है, रियलिज्म पसंद है? बड़ी सीधी सी बात है, जब मेरी सीधी बात लोगों को समझ आ रही है तो मैं घुमा के क्यों बोलूं, जी सर, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। जी. कहानियां पता कब डाल दी जाती हैं, या तो आपको कहानियां बनाने का शौक हो, ठीक है, या तो आपको डायरेक्ट ही है, या आपको लगता है कि मुझे भाई सीधी बात मेरी समझ नहीं आ रही, तो तब आप घुमा घुमा के बातें करोगे या अलग तरीके जी. से करोगे बात, ठीक है। तो मैं, मेरी सीधी सी अप्रोच है, मुझे सीधी सी नेचर पसंद आई तो मैंने सीधा सी पेंट कर दिया, सीधा ही मुझे पोर्ट्रेट पसंद है मैंने सीधा पेंट कर दिया। तो मुझे अगर सादगी पसंद है तो मैं मॉडर्न आर्ट के खिलाफ हूँ, मैं आपकी अपनी नेचर के फेवर में हूँ, मेरी नेचर बड़ी सीधी सी है, जो बंदा मुझसे मिलता है उसको पता है कि ये बड़ा देसी बंदा है, सीधा बंदा है, तो मेरी पेंटिंग भी सीधी है, जी समझे सर, जी ना। सर. तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पेंटिंग जब देखे तो वो मुझसे ये ना पूछे, अच्छा यार इसमें क्या बनाया, आपने क्या बताना चाहा, मैंने जी झरना सर, बनाया तो झरना नजर आना चाहिए, जी सर, जी और सर. कोई नहीं, कहानी नहीं इसके पीछे। सर आप नेचर से बहुत प्रभावित हैं, हाँ मैंने आपकी ना, मतलब आप लैंडस्केप्स बहुत ज़्यादा करते हैं, पोस्ट भी बहुत करते हैं, तो उससे आप नेचर से क्या कनेक्शन है आपका? मैंने पहले ही बताया, एक तो मैं बचपन में रहा ही गांव में हूँ, कस्बे में हूँ, मैंने प्लस 2 तक तो भैंसे होती थी हमारे घर में, तो ड्यूटी मेरी होती थी उनको संभालना, तो उसकी वजह से थोड़ा मैं नेचर से, जानवरों से काफी कनेक्टेड हूँ, मुझे बर्ड्स अच्छे लगते हैं, जानवर अच्छे लगते हैं, पेंट कम करता हूँ मैं पर अब करूंगा धीरे धीरे, जी और सर, नेचर से, तो जैसे चंडीगढ़ आया तो मुझे आजाद हो गया मैं बिल्कुल ही, क्योंकि घर में तो उन्होंने, अगर घूमने की बात होती तो चलो जी हेमकुंड साहब चलते हैं, चलो जी गोल्डन टेम्पल चलते हैं, क्योंकि धार्मिक फैमिली से बिलोंग करता हूँ, सिख जी फैमिली से सर, बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ का एक ही कल्चर है, घूमने का मतलब मणिकर्ण साहब जाना है। तो जैसे चंडीगढ़ आया तो हमें पता चला कि घूमने का मतलब अपने नेचर को एडमायर करने जाना, अपने आप की खुशी के लिए जाना, जहाँ पे धार्मिक पहलू सेपरेट हो, मन का जी पहलू सर, एक सेपरेट हो। तो जब मैंने घूमना शुरू किया तो तब मुझे लगा जैसे पंख लग गए, उड़ान तो ये होती है, तो फिर मैं हर साल 5 से 6 ट्रिप लगाता हूँ पहाड़ों के मिनिमम, कभी बाइक पे जाता हूँ कभी गाड़ी पे जाता हूँ, तो मेरा तो मन करता है पैदल ही निकल जाऊं, तो ताकि और अच्छे से स्टडी कर पाऊँ, तो जी सर. इसलिए और मैं बड़ा चंडीगढ़ के कनेक्टेड पास ही है हूँ। पहाड़, तो उधर जाना भी आसान मेरे होता है. अभी मेरा जो घर है ना, अगर मैं ये खिड़की खोल के दिखा सकता आपको, तो पीछे पहाड़ ही है। अच्छा हाँ सर, चंडीगढ़ शहर भी बहुत सुंदर है. जी मतलब मुझे जी सुंदर तो लगता है, साफ सुथरा लगता है, अच्छा लगता है, जी तो जी मेरा मन भी लगता है, पर चंडीगढ़ पेंटिंग जैसा नहीं है, बस यहाँ के ट्रीज बहुत अच्छे हैं और यहाँ के बिल्डिंग जैसे हैं, मेरा इसीलिए बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर आप अर्बन स्केच नहीं करते, मतलब आप थोड़ा सा सिटीस्केप नहीं बनाते,
तो जो हमारा चंडीगढ़ सिटी है ना, वो पूरा डब्बे की तरह है, हमारे जितनी बिल्डिंग्स हैं डब्बे की तरह है, स्क्वायर 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 स्क्वायर। तो मुझे वो थोड़ा ऐसा ज्योमेट्रिकल फॉर्म थोड़ी कम पसंद आती है, इसी वजह जी से मैं शायद नहीं करता। तो मैं जो देखता हूँ, जो फील करता हूँ, वही पेंट करता हूँ। जी अदरवाइज सर आपने सुखना लेक की भी बनाई हुई है वाटर कलर पेंटिंग एंड ट्रीज वो वगैरह आपने नेचर, करे हाँ हुए मैं हैं। वो, जी 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 हाँ वही करता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तो सर आपने एग्जीबिशंस भी लगाई हुई हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं ना एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि ना, अगर आपने लाइफ में कुछ भी, जैसे मैंने बचपन में सुना था, भाई अच्छा बोलो, कई बारी जुबान पे ना आपकी सरस्वती सवार होती है, ये सुना होगा आपने। तो कॉलेज टाइम मुझे मेरे ना फ्रेंड्स ने, किसी ने एग्जीबिशन की, तो वो मुझे पता क्या कहता है, यार सिकंदर तुम्हारा काम इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं एग्जीबिशन करते। तो मैंने मजाक मजाक में से बोला कि भाई मैं तो सबसे पहले एग्जीबिशन ना फॉरन करूंगा, फिर ही कभी करेंगे। जी सर वो मेरा बाय चांस जो मेरी पहली एग्जीबिशन हुई वो न्यूजीलैंड हुई थी 2011 में। तो वो भी मैं खुद वहां जाके, वहां पे एग्जीबिशन की मैंने, तो वो पहली मेरी एग्जीबिशन थी। उसके बाद जी वहां दो एग्जीबिशन की, एक सोलो की, एक ग्रुप शो किया। फिर चंडीगढ़ आके मैंने 2011 में ही एक शो किया था सोलो। फिर उसके बाद तो जी 6-7 एग्जीबिशन की है मैंने, मतलब मैं ग्रुप एग्जीबिशन में कम पार्ट लेता हूँ, क्योंकि मेरा एक मानना है, या तो सब्र रखो आप दूसरों की, जो भी जजमेंट है उसके ऊपर, वो मुझसे नहीं होता। कई जी बारी मुझे ऐसा नहीं कि मैं ये मानता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ, पर जी ये भी जी जी मानता हूँ कि मैं फेलियर भी नहीं हूँ। जी 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 आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब ये एक बड़ी अच्छी बात बोलने जा रहा हूँ, शायद लोगों को पसंद आए। जब भी आप दूसरों को जजमेंट की ऑप्शन देते हो कि आपको जज करे, तो फिर आप रोना धोना मत करें प्लीज। मैंने किया हुआ, मैंने 5-4 साल कुछ आर्टिस्टों के अंडर, जैसे मैंने किसी ललित कला में, अब नाम मैं किसी का नहीं लेने वाला, बहुत सारे जी लोगों ने मुझे मेरे काम को रिजेक्ट किया। तो जी जी रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजें भी बोली मुझे। तो वो ये, उनको काम से लेना देना कोई नहीं था, उनको लेना देना था कि क्या मैं उनके आगे तलवे चाटता हूँ या नहीं, उनके आगे जी उनको चापलूसी करता हूँ या नहीं, वो अपने बस का नहीं था। जी 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 हमने क्या किया, फिर भीड़ से अलग चलना शुरू कर दिया, ये मेरे बस का नहीं है, तो हम इस रास्ते चलते हैं। तो उसके बाद जी मैंने सर कभी भी ग्रुप एक्सपीरियंस में, मैंने और भी एक दो बार किया, जो वाटर कलर की भी सोसाइटीज है उनमें भी एक दो बार पार्ट लिया। तब भी फिर मुझे लगा, छोड़े यार कहाँ जाए, लोग प्यार कर रहे हैं तो प्यार का मतलब प्यार है बस, आपको जी सर प्लेटफॉर्म पे जाके क्यों प्यार लेना, अगर घर पे मिल रहा तो घर पे लो ना। तो ये सोशल जी मीडिया, सर जो आपने लॉकडाउन में बात शुरू की थी, सोशल मीडिया लॉकडाउन में लोगों को ये चीज क्लियर कर दी है कि प्यार आपके आर्ट को कहीं बैठे भी मिल सकता है, चाहे आप गांव में बैठे हैं, चाहे शहर में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, मोगा में बैठे हैं। अब जी सर आपके लिए घर से निकलने की जरूरत नहीं है, किसी के अंडर प्रेशर में, किसी को अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। जैसे पहले क्या होता, गैलरी में एग्जीबिशन लगाने गए तो वहां जिसकी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जी वहां सर सत्ता में होते थे वो लोग कहते थे कि यार नहीं गैलरी नहीं फ्री है। एक महीना जी मैंने देखा फ्री भी होती तब भी नहीं देते थे, कोई जी बात जी नहीं, जी अब हमें क्या गैलरी की जरूरत है, नहीं जरूरत, पब्लिक के पास पहुंचना, तो वो सोशल मीडिया ने पहुंचा दिया हमें। जी सर सो जी सर मैं इसमें, मेरा कोई ये, मैं कोई ये कोई घमंड नहीं कर रहा, पर मैं आप लोगों को ये जागरूक करने के लिए बोल रहा हूँ कि अपने ऊपर विश्वास रखें बस। जरूरी जी नहीं है सर कि दूसरा बंदे ने बोल लिया कि आप फेलियर हो तो आप फेलियर है, क्योंकि हो सकता है वो आपसे चिढ़ भी रहा हो, आपसे आपको आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हो। जी अपने आप से एक्सपेक्ट करें, अपने आप को प्यार करें, दुनिया बहुत क्रिटिसाइज करेगी, करने दो, उनका काम है। तो आप तो अपने आप को क्रिटिसाइज ना करो, आप अपने आप को डिमोटिवेटिव ना करो। तो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, तो वो मेरे बड़े काम है। जी सर जी सर पहले आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ता है कि हाँ मेरा काम ये है, ये मेरी वैल्यू है, अपनी वैल्यू भी पता होना बहुत ज़रूरी है सर। जब आप ही नहीं अपनी रिस्पेक्ट करोगे, दूसरा कैसे करेगा। जी अगर सर मैं बच्चों को बताता हूँ, मैं कहा, कई बार बच्चे पता अपने पेरेंट्स से रूखा बात करते हैं, मम्मा आप क्या बात करते हो, मैं कहता हूँ भाई शांति से बात करो, तुम्हारे फ्रेंड्स पास खड़े हैं, अगर तुम अपनी मम्मा से ऐसे बिहेव करोगे, तुम्हारे फ्रेंड्स भी वैसे ही उनको समझेंगे। सो अगर तुम चाहते हो ना कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, तो आप उनके सामने उनके पैर छुओ, जी आपके फ्रेंड्स भी छुएंगे। वो तो हमने तय करना कि कैसे चलाना अपनी जिंदगी को।
जी सर, जी सर, बिल्कुल सही। सर, आपने बहुत स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ है, अभी ऑनलाइन के थ्रू सिखा रहे हैं, तो अभी स्टूडेंट्स में ऐसे क्या चैलेंजेस हैं? नॉट ओनली फाइनेंशियली वगैरह वो होते ही हैं कुछ लोगों को, बट मेंटली क्या चैलेंजेस हैं जो वो माइंडसेट लेके आपके पास आते हैं, क्या है वो? ओवरनाइट स्टार बनने वाला चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज मैं यही देखता हूँ। मैं ना अभी जो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं लोग, उनके एक सवाल मुझे बड़ा तंग करता है। और मैं जो भी आगे जो मेरा फॉलो सुन रहे हैं, प्लीज उनके लिए ये एक चीज है, आप फॉलो कर रहे हैं अच्छी बात है, पर एक काम प्लीज मेरे सामने मत करें कि आपने लाइफ में एक या 10 पेंटिंग, कुछ 10-15 पेंटिंग बड़ी मुश्किल से बनाई होती है, तो आप करियर आपके ऑप्शन पूछना शुरू कर देते हैं 10 पेंटिंग करके। ये सोचता सर ये कहाँ सेल करें, सर मेरे पास मैं पेंटिंग करता हूँ तब मेरा काम देख के बताएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कई बार मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं देख भी लेता हूँ, तो मुझे गुस्सा आता है, एक पेंटिंग अपलोड की होती है, हम लोग 2500, मैंने 4000 वर्क अपलोड किए थे, 1500 तो मैं डिलीट भी कर चुका हूँ, मुझे लगा कि आप मुझे डिलीट कर देने चाहिए, वो उस लेवल के नहीं है। जी सर, 2500 के अराउंड अभी भी मेरे वर्क वहां पे डिस्प्ले में है, तब भी मैं किसी से ये नहीं पूछता है भाई मैं पेंटिंग सेल कहाँ करूँ। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो जिन्होंने जी 25 वर्क भी नहीं किए होते वो सेल करने के लिए डेस्परेट है, अब मैं उनके लिए क्या कहूँ? आप समझ सकते हैं भाई, जी मैं उनको सर, बोलता हूँ भाई मेरे पास खुद के पास 2500 वर्क है, अगर मेरे सेल होते होते तो मैं तुम्हारे भी बता देता। सेल होते जी हैं, सर, ऐसा नहीं सेल नहीं होते, मैं तो चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, तो हर एक काम सेल नहीं होता और हर रोज सेल नहीं होता, समझे? जी कई सर, बार जी ऐसे चुटकी बजाते हैं आपके 100 काम भी होते हैं, बहुत बारी तो पेंटिंग ऐसी भी हुई है पर वो आपको कॉन्फिडेंस अपना आ ही जाता है। मैंने ना एक गोल्डन टेम्पल की एक पेंटिंग बनाई थी, अभी एक नाइट व्यू जी बनाया सर, था जी मैंने सर, एक्रेलिक में, तो मेरी असिस्टेंट मेरे पास खड़ी थी, मैंने उसे कहा यार ऐसा ही है, पता नहीं मेरे अंदर से ये आवाज आ रही है, अभी मैं इसे अपलोड करूंगा तो साथ ही मेरे पास बाहर के मैसेज आ जाएंगे। आपको पता है जैसे ही मैंने अपलोड की तो 15 मिनट में वो सोल्ड भी हो गई थी वो, जी सर, तो वो आपको भी पता होता है ना किस लेवल तक का आप काम कर रहे हैं, किस लेवल का काम मार्केट में आ रहा है, तो आप उस लेवल तक जाएं। बहुत बार होता है कि बहुत सारी पेंटिंग देख के लगता है, मैं बीइंग एन आर्टिस्ट भी मैं सोचता हूँ यार ये पेंटिंग तो मेरे पास होनी चाहिए, किसी दूसरे आर्टिस्ट की भी, इसका जी सर, मतलब जी अगर सर, वो पेंटिंग जिसकी दूसरे आर्टिस्ट की मुझे पसंद आ रही है तो इसका मतलब वो किस लेवल तक होगी, वो जी, तो आम बंदे को कितनी अट्रैक्ट करेगी फिर वो। जी सर, जी सर। सर, आप बेसिक जब आप पेंटिंग बनाते हैं तो उस पैलेट में कौन कौन से कलर्स होते हैं? बिकॉज आपके वाटर कलर्स, एक तो वाटर कलर्स के एंड ऑयल एंड एक्रेलिक एज वेल, वाटर कलर्स में आप एक पिंक कलर यूज़ करते हैं, एक तो मेरे को उसका नाम बता दीजिए क्या है, वो इतना सुंदर लगता ओपेरा, है। ब्राइट ओपेरा, जी, सर, इतना सुंदर लगता है वो, मतलब मैं बनाने की कोशिश करती हूँ, मेरे से वैसा बिल्कुल नहीं बना, फिर मैं सोचती हूँ पता नहीं क्यों नहीं बन रहा। डायरेक्टली आप बाय करें वहां से ब्रिस्टो वालों के पास ना, ब्राइट ओपेरा, अभी तो एक उनके जो वाटर कलर आए हैं उसमें भी है वो, जो जी, पैनकेक्स आए हैं अभी, उन्होंने एक और अच्छा काम किया कि अगर आपको पूरे नहीं चाहिए तो एक छोटा सा केक भी आप ले सकते हैं, तो उसका नाम है ब्राइट ओपेरा, वो बड़ा ओके, अच्छा है, वो तो जब भी जी, बोगनवेलिया बनाता हूँ। और उन्होंने एक और अच्छा काम किया, उन्होंने जितने भी कलर अब इंट्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो एक्रेलिक किए हैं, चाहे उन्होंने पेस्टल कलर किए हैं, सॉफ्ट पेस्टल चाहे ऑयल पेस्टल, सब में वो डाला वो कलर, तो मजा आता है उसको यूज करने का। जी। उसके अलावा कौन कौन से कलर आप सब बेसिक पैलेट में यूज़ करते हैं? एक चीज बताऊं, मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई कि मैं बड़ा सिंपल सा इंसान हूं, मेरे पास 100 से ज्यादा शेड्स होंगे, जी, पता नहीं मेरे पड़े पड़े खराब भी हो रहे हैं, मैंने देखा एक दिन के एक दो ट्यूब तो खराब ही हो गई, तो उसके बावजूद पता नहीं मैं फिर 4-5 कलर पे ही अटका रहता हूँ, जो प्राइमरी कलर्स होते हैं उनके अलावा बस, जहाँ सेकेंडरी कलर्स बस यूज करता जी सर, हूँ, अपना अल्ट्रा मरीन ब्लू, गेम्बोज ह्यू, स्कारलेट या वर्मिलियन, तो दूसरा या क्रिम्सन या रोज मेडल, और एक सैप ग्रीन, बस ये 5-6 कलर बस, ये जी मेरे सर, बेसिक कलर जो है वही यूज करता हूँ मैं। बहुत बारी तो मैं 3 कलर से ही पेंटिंग करता हूँ ताकि जी सर, लोगों को ये जी ना लगे कि ये कलर मेरे पास नहीं था इसलिए पेंटिंग नहीं बनी। सर, जी सर, सब मटेरियल्स का बहुत वो होता है कि अच्छे मटेरियल से ही अच्छे आर्टवर्क बन सकते हैं, कि महंगी पेंसिल्स लेके आओ तो अच्छा स्केच बनेगा, वो नहीं होता। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी सर, दो ड्राइवर बैठ खड़े हैं सामने आपके, दो गाड़ियां हैं, जी ठीक सर, है, एक गाड़ी टूटी फूटी या पूरी पुरानी खटारा गाड़ी,
चलती वो भी है, एक पूरी लग्जरी गाड़ी जो बहुत अच्छी चलती है, ठीक जी है, और सामने दो ड्राइवर खड़े हैं। एक ड्राइवर तो परफेक्ट ड्राइवर है, जो मतलब कुछ भी हो ड्राइविंग की स्किल उसकी टॉप है। वो एक ऐसा ड्राइवर है जिसकी ड्राइविंग स्किल बिल्कुल जीरो है बस। अब जिसकी ड्राइविंग स्किल जीरो है तो वो खटारा गाड़ी का तो मुझे पता चलेगी नहीं उससे, तो क्या उसको लग्जरी गाड़ी देना पसंद करेंगे आप? नहीं सर, आपको डर रहेगा ना कि गाड़ी अच्छी भी होगी तब भी वो खटारा ड्राइवर बुरा है तो खराब करेगा, ठोक देगा कहीं। जी सर, अच्छे ड्राइवर को आप बुरी गाड़ी देते हुए भी डरेंगे नहीं, आपको पता है कि उसमें भी वो सेफली ले जाएगा हमें। इसके लिए अच्छे आर्टिस्ट बनो, मटेरियल कैसा भी है, ठीक है, अच्छे ड्राइवर बनो अपने आर्ट को चलाने वाले, समझे? जी मटेरियल सर, मैटर करता है, ये नहीं मैं कहता कि नहीं मैटर करता, दोनों चीजें अगर अच्छी हो जाए, गाड़ी भी अच्छी हो जाए ड्राइवर भी अच्छा हो जाए, तो क्या मजा है जिंदगी का, क्या सफर होगा फिर। मटेरियल भी जी अच्छा हो जाए, सर, आर्टिस्ट भी अच्छा हो जाए। जी सर, तो जी ये सर, मेरे उस्ताद जी ने मुझे समझाया था कि अगर आप पुराने और बेकार मटेरियल में से अच्छा आर्टवर्क क्रिएट कर सकते हो तो अच्छे मटेरियल से आप कितना अच्छा क्रिएट कर सकते हो। ये सब सरदार सतनाम सिंह जी ने, मतलब मेरे आर्टिस्ट हैं जो मेरे उस्ताद जी हैं, ये उनकी वर्डिंग थी मेरे लिए। जी सर, जी सर, बहुत बेहतरीन। सर, जो आपकी पेंटिंग प्रोसेस होती है वो कैसी होती है जब आप स्टार्ट करते हैं? मतलब समझा नहीं, मतलब आप दोबारा किस बोलिए। तरह से स्टार्ट करते हैं पेंटिंग प्रोसेस? मतलब आपकी कैनवास किस तरह से होती है, प्लेन कैनवास, या फिर आप उसको प्राइम करते हैं और ऊपर वो एला प्राइमा से मैंने करते हैं, नॉर्मल करते आप हैं? इतनी बातों से एक चीज हमेशा फिर भी क्लियर होगी, मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल हूँ, बहुत जी ही सादा हूँ। सर, जी मैं सर, जब मुझे काम करने का मूड होता है, मैं इन चीजों के चक्कर में पड़ते ही हूँ कि क्या प्राइम्ड है कैसे भी। मैंने कल भी एक लाइव हुआ था सेशन में, जी सर, जी तो सर, मैंने गुआश में ट्राई किया, तो मैंने जब मैंने लगा के लाइव हो गया तब मुझे पता चला यार ये पंगा ही ले लिया मैंने। तो मैंने तो गुआश पहली बार दूसरी तीसरी बार गुआश ट्राई कर रहा हूँ, और डायरेक्टली मैंने वो पेपर उठा लिया चित्रपट, अब पता नहीं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, तो जी एक्सीडेंट सर, होने देता हूँ मैं वो। तो मेरे ओके, कहने का मतलब मैं सोचते ही नहीं हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सोवा, मतलब बिल्कुल सरेंडर होता है, जो होगा होता जाएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि क्या होगा अगर मैं पब्लिकली फेल भी हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मैं उसको एडमिट करने के लिए बैठा हूँ, मान लो मैं कुछ पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो वो नहीं बना वैसा, तो मैं बोल दूंगा भाई नहीं बना यार ये दोबारा ट्राई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? उसका नुकसान ये होगा ना, जो मुझे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई यार सिकंदर सर तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनकी उम्मीद टूटेगी। पर एक फायदा भी तो होगा ना, बहुत सारे लोग सोचेंगे यार अगर सिकंदर सर से भी गलत बन सकता है तो हम लोग तो अभी आर्टिस्ट बने ही नहीं है, तो उनका जी कॉन्फिडेंस सर, बढ़ जाएगा। तो जी हमेशा सर, एक ही चीज के साथ दो चीजें हमेशा बनी रहेंगी। जी, सर, आपके फेवरेट आर्टिस्ट कौन कौन से हैं? वैसे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जी, जैसे देखो पहले तो अपने गुरु सरदार सतनाम सिंह जी का तो नाम लूंगा ही लूंगा, ऑयल जी पेंटिंग में तो मैं उनसे सीखा हूँ तो वो तो है ही है। अगर आप लोग उनका काम देखेंगे, आर्टिस्ट सतनाम सिंह मोगा के नाम से शायद मिल जाएंगे वो आपको इंस्टाग्राम पे, तो जी बहुत जी अच्छा ऑयल पेंटिंग करते हैं, ज्यादातर वो गुरुद्वारों के लिए पेंटिंग करते हैं, पोर्ट्रेट बहुत अच्छा करते हैं। फिर उसके बाद जैसे आते हैं तो पहले, उससे भी पहले थोड़ा सा पीछे और जाता हूँ, जिनसे इंस्पायर होकर आर्ट वर्ल्ड में आऊँ, वो है सरदार शोभा सिंह जी। तो अब वो नहीं है इस दुनिया में, पर उनकी वजह से पंजाब का हर आर्टिस्ट आर्ट फील्ड में आया है। अभी जी के तो चलो इंटरनेशनल आर्टिस्टों से इंस्पायर होके आ रहे हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया की वजह से, तब हमारे घर में गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी के जो पोस्टर लगे होते थे सरदार शोभा सिंह जी के होते थे। अब उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग जहाँ बुक्स के थ्रू पहुंचे हैं, तो जी बुक्स सर, के थ्रू मैं जो पहुंचा हूँ तो वो पहुंचा हूँ मिलन मलिक सर तक, जी, तो वो मेरे वाटर कलर के दुनिया के मेरे उस्ताद हैं, गुरुदेव हैं मेरे, जिनसे मैंने वाटर कलर सीखे हैं, ठीक है। तो फिर आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे हैं, जहाँ वो पहुंचे हम लोग मिलिन मलिक सर तक पहुंचा हूँ मैं, प्रभु सावंत सर तक पहुंचा हूँ, तो वो मेरे फेवरेट आर्टिस्ट हैं, जिनकी जी, एनर्जी और जिनके वर्क को देख के मैं सो ही नहीं पाता। उन्होंने बहुत सारी, मेरी बीवी मेरी कहती है कि आपकी आंखें काली हो रही हैं, अब मैं क्या करूं, वो सोने नहीं देते दोनों आर्टिस्ट मुझे, इतना इंस्पायर करते हैं। जी तो सर, उसके बाद आते हैं, फिर मैं बचपन में फिर जाता हूँ, तो मेरे पास ग्रेट मास्टर्स की बुक्स होती थी, द ग्रेट आर्टिस्ट, तो मेरा रेम्ब्रांड, डेविड, और क्या कहते हैं पीटर पा रूबिन्स, तो ये फेवरेट थे। फिर अभी जाके लिनार्डो, माइकल एंजेलो, वो सारे ही फेवरेट हैं, चाहे अब तो
हम लोग कह सकते हैं पिकासो भी अच्छा लगता है, अपना क्या नाम है इम्प्रेशनिस्ट, अपना मतलब मोने का काम भी अच्छा लगता है, वैन गॉग का भी अच्छा लगता है, मतलब सबका अच्छा लगता है। अब समझ आ गई ना, पहले समझ नहीं थी, जी सर, धीरे जी धीरे सर, काम करती। तो ऐसे करके बहुत सारे आर्टिस्ट हैं अभी जो कंटेम्प्रेरी मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनके भी जी नाम सर, लूंगा जी मैं। निशिकांत है, अचिंत्य है, तो और अनिर्बन है, जी सर, और कंगन दास है, तो ये सारे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सारे इंस्पायर करते हैं, ये फेवरेट में है मेरी लिस्ट में। जी सर, जी सर। और सर जब सर्कल वैसा बन जाता है तो ना इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक अभी दूसरे ना से वही सो ही नहीं सीखते हैं, पाते हैं हम सिखा। लोग। जी। तो सर आपने मिलन सर से ऐसी कौन सी पांच चीज़ें आप बताएं हमें जो आपने मिलन सर से सीखी हैं, जो आप अभी भी इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो उनकी लाइफस्टाइल से हो, उनके काम से हो। मैं लाइफस्टाइल पे आने वाला था, उनकी सादगी मुझे बड़ी पसंद है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही एनकरेजिंग है वो, किसी को भी मैं देखता हूँ मेरे जैसे जिनको कुछ भी नहीं आता, उनको भी मैंने जब मैंने उनका काम दिखाया तो उन्होंने बड़ा एनकरेज किया। दूसरी चीज, तीसरा, उनका काम से तो कोई कोई दुनिया में कोई ऐसा आर्टिस्ट होगा ही नहीं जो वाटर कलर की दुनिया में और मिलन सर को ना जानता हो। जी तीसरी सर, चीज, चौथे, उनका जो सब्जेक्ट चूज करने का तरीका है वो बड़ा अच्छा है, ठीक है। और पांचवा, तो ओवरऑल ही बोलूंगा, उनकी पर्सनैलिटी ही इंस्पायर करती है, उनको देख के ही मन खुश हो जाता है, ऐसा लगता है किसी संत के साथ, उनकी आवाज, उनका इवन मैं मुझे तो बाद में पता चला कि वो गिटार बड़ी अच्छी बजाते हैं, तो हर एक चीज उनकी इंस्पायर करती है। जी सर, जी सर। सर एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट आपके अकॉर्डिंग कौन होता है, उसमें क्या क्या ट्रेट्स होने चाहिए जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं? ये ना हमारे पंजाबी के सिंगर हुए हैं एक गुरदास मान, जी हुए मतलब हैं, हुए हैं मतलब ऐसे नहीं जी अभी हैं। तो जी उनकी इंटरव्यू के बारे में मैंने एक्चुअली मैंने नहीं सुनी थी, मुझे किसी ने बताया था। तो कहते हैं कि भी उनकी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 30 साल से इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं, तो क्या ऐसा क्या कारण है, तो ऐसा क्या मतलब रीजन है। तो उन्होंने मुझे ये कहा, मतलब उन्होंने मुझे फ्रेंड ने बताया, उन्होंने जवाब दिया कि यार आप अगर कलाकार 21 है और 21 19 21 का शब्द बोलते हैं ना हम लोग, जी सर, जी 19 सर, 21, अगर आप कलाकार 21 हैं और आप ह्यूमन बीइंग 19 है, तो जरूरी नहीं कि आप राइज करेंगे। अगर आप ह्यूमन बीइंग 21 हैं और कलाकार थोड़े कम भी हैं तो चलेगा, फिर आपको लोग प्यार करेंगे, तो प्यार की वजह से आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो मैंने ये चीज बड़ी अच्छे से नोट की, तो मुझे लगता है शायद मेरी कला उतनी अच्छी नहीं है, मैं नॉर्मल अपना मजे से काम करता हूँ, बहुत बारी तो मैं रिपीट ही करता रहता हूँ अपने वर्क, तो लोग प्यार करते हैं, शायद मैं उनको प्यार करता हूँ, शायद यही एक कारण है, तो मुझे अच्छा प्यार मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को भी जो भी इस कला जगत में आना चाह रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज कहूँ, हम्बल रहें, डाउन टू अर्थ रहें, मेहनत करते रहें और सबको प्यार करें, अपने आप को भी करें, सबको भी प्यार करें, सबकी रिस्पेक्ट करें। तो ये जो जी सर, लोगों से प्यार करना है, जुड़ना है, वो आपको हमेशा सक्सेसफुल बना के रखेगा और जी अपना सर, काम तो आपको आगे लेके जाता है। जी सर, जी सर। सर जो बडिंग आर्टिस्ट हैं जो अभी आर्ट के फील्ड में आना चाहते हैं, उनको आप क्या एडवाइस देंगे? एक ही थी, ओवरनाइट स्टार बनने के सपने, मतलब मान लो आप बन भी गए तो उसके बाद क्या बचेगा। मान लो आप माउंट एवरेस्ट पे जी चढ़ गए सर, हो, एक ही दिन में पैदा हुए, सबसे पहले ही माउंट एवरेस्ट 2 साल में अचीव कर लिया, तो क्या बचा बताइए उसके बाद। जर्नी जी को थोड़ा स्लो रखें, मजा ही जर्नी का है, अचीवमेंट का कोई मजा नहीं है, सच्ची कह रहा हूँ। मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, रोज मेरा मैं ना अपने काम को देख रहा हूँ कि मैं बहुत सारे आर्टिस्टों से बहुत पीछे हूँ, तो मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा कि मुझे एक दिन में उनके जैसा बनना है, समझे। तो मुझे यह कि सर, मैं एक दिन अपने आप पहुंच जाऊंगा, जो मजा है अभी सफर का मजा लें, मंजिल पे जाके हो सकता है कि वहां जाके लॉकडाउन लग जाए, तो क्या करोगे, जी अब सर, जी वहां सर, कैद हो जाते, निकल ही ना पाओ। तो मंजिल की आशा में अगर आप सफर को ही नहीं एंजॉय करोगे तो फिर क्या फायदा, हो सकता है मंजिल पे पहुंच के मौत आ जाए, तो क्या करोगे जी वहां सर, जाके जी आप। सर, तो आपको जो सफर हो रहा है ना, जो चल रही है लाइफ, उसमें मजे करें, मेहनत करें, अपने ऊपर विश्वास रखें, और ये आर्ट की जर्नी 5 से 15 साल कितने भी ले सकती है आपकी जिंदगी के सक्सेसफुल होने के लिए, तो मिनिमम 5 साल मान के चले, 15 साल भी मान के चल सकते हैं आप। जी सर, जी सर। सर और ऑडियंस के लिए आपका कोई मैसेज हो एट लास्ट? यार
सब कुछ ही बोल दिया। मैसेज तो यही है कि खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते खेलते रहें। क्योंकि अगर मैंने कल परसों एक चीज किसी को बोल रहा था, अगर आप परफ्यूम लगा के जा रहे हैं ना, तो आप कहीं से भी निकलेंगे सबको पता चल जाएगा कि आपकी खुशबू से, कि यार आपके अंदर से खुशबू आ रही है, तो आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। आप बिना नहाए 3 दिन रहेंगे तो आप कहीं से भी निकलेंगे वो भी पता चल जाएगा। आपकी शख्सियत कैसी है ना, आप कहीं से भी निकलेंगे लोगों को पता चल जाएगी। अब आप सोचें कि आपको बिना नहाए वाली शख्सियत बनानी है या परफ्यूम वाली शख्सियत बनानी है। आप जब भी कहीं से गुजरे कि लोग आपको पॉजिटिविटी के नाम से जाने या नेगेटिविटी के, लोग दोनों तरह के होते हैं। एक इंसान को देख के लोग उसके पास भागे आते हैं, अरे 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 आप आए हैं, आप आए हैं, कितना मजे से मिलते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ से पॉजिटिविटी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एक इंसान को देख के लोग छुप जाते हैं कि यार छोड़ो यार, ये तो रोता ही रहता है, छोड़ो इसको, इसके माथे नहीं लगना। जी सर, जी सर, अपने लिए तय करें कि आपने क्या बनना है, थोड़ा सा ये मैसेज जरूर है। जरूर तय करें कि आपने कैसे इंसान बनना चाहते हैं। जी सर, जी सर, सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करी एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा भी, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वंशिका, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने मुझे बुलाया। तो क्योंकि हम लोग एक दूसरे की जर्नी से बहुत कुछ सीखते हैं, तो जी, उम्मीद करता हूँ कि शायद ये मेरी जर्नी लोगों को थोड़ी सी हेल्प करे आगे बढ़ने में। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मदद कर लिया। थैंक यू ओके सो जी, मच। बाय थैंक बाय, गॉड ब्लेस यू। यू गाइस, आई होप आप सबने इन्जॉय करा हो। मैंने बहुत इन्जॉय करा इस पॉडकास्ट को सर के साथ। सर, एक तो सर की मैं पर्सनालिटी के बारे में ये ज़रूर चीज़ कहना चाहूँगी कि सर जो हम्बलनेस उनकी है, जो ग्राउंडेडनेस है, इतने ग्राउंडेड हैं सर, वो मेरे को बहुत प्लीज़ करती है। कि मतलब मैं देख के बहुत हैरान हो जाती हूँ कि जब ऐसे मेरे को आर्टिस्ट दिखते हैं जो बहुत हम्बल होते हैं, बहुत स्वीट होते हैं, उनको नॉलेज बांटने में खुशी मिलती है, लोगों के साथ हंसी मजाक में खुशी मिलती है, एंड अपनी जर्नी को जिस तरह से वो खुशी से आगे बढ़ते रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। एंड उन्होंने नॉट ओनली अबाउट आर्ट, अबाउट लाइफ भी उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो आई होप आपको उस चीज़ से बहुत सीख मिली हो और आप वो चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें। उन्होंने एक वो बताई है कि एक दिन में कोई स्टार नहीं बनता, जो आजकल लोगों को बनना होता है। तो उस चीज़ के बारे में जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक दिन में आप माउंट एवरेस्ट चढ़ जाएंगे, मतलब उनके एग्जाम्पल्स मुझे इतने अच्छे लगे। तो आई होप हम एक और शायद कर पाए उनके साथ, जिसमें हम एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज़ करके उनके साथ कोई पॉडकास्ट करेंगे। दिस वॉज़ अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट हिज़ लाइफ, अबाउट हिज़ जर्नी, अबाउट हिज़ थाट्स, कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं और अभी भी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ में उनका बहुत नाम है, उनका इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जो जो आर्टिस्ट बनना चाहता है, वो सिकंदर सर को ज़रूर जानता है, एटलीस्ट चंडीगढ़ में। एंड इंडिया में भी उनका बहुत नाम है, एंड नॉट ओनली इंडिया, अब्रॉड में भी उन्होंने बहुत एग्जीबिशंस करी हैं। तो आई होप आपने ये पॉडकास्ट बहुत इन्जॉय करी हो। जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सर का फ़ोन नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उसमें उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डिटेल्स के लिए अबाउट, अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस उनकी ज्वाइन करनी हो। ऑल्सो उनका इंस्टाग्राम हैंडल नीचे है, जिसमें वो अपने बैचेस के बारे में टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं सबको। एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम गाइस, अभी यू नेवर नो कि कोविड की शायद थर्ड वेव भी आ जाए, तो लर्निंग इज़ द बेस्ट थिंग। एंड आर्ट तो कोई भी कर सकता है, इट इज़ अ वे जिसमें आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस सेंस में भी आजकल बहुत लोग आर्ट सीख रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका है। तो आप ज़रूर उनका नीचे देख सकते हैं सारे लिंक्स एंड उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड इवन माई सोशल मीडिया लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन। उनका यूट्यूब चैनल भी है, प्लीज़ उसको जाके चेकआउट करें। उसमें वो टाइम टू टाइम वीडियोज़ डालते रहते हैं, वाटर कलर्स की, पोर्ट्रेट्स की, अलग अलग चीज़ों की। और एटलीस्ट उन्होंने 10 ईयर्स पहले शायद यूट्यूब स्टार्ट करा, जब यूट्यूब इतना फेमस भी नहीं था, एंड बट उनके काम बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ उनको चेकआउट करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।